बंगाल के संदेश खाली से सियासत गर्म है इस मुद्दे पर। संदेश खाली पहुंचे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, दो विधायकों के साथ संदेश खाली पहुंचे। कोलकाता हाईकोर्ट से जाने की परमिशन मिली, नाव से संदेश खाली गए शुभेंदु अधिकारी। अब संदेश खाली में क्या चल रहा है ये पूरा अपडेट बताएंगे मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक उपाध्याय, अभी तक शाहजहां पकड़ा नहीं गया है लेकिन नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है, तो कम से कम इस बात से ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक शरण हासिल है? इतने दिन की घटना हो गई लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक गायब है। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है विवेक, 5 जनवरी से ही शेख शाहजहां फरार है और ये तब जबकि बाकायदा लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है, और आप सोचिए आज हाईकोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि शेख शाहजहां सरेंडर करे, ये बात हाईकोर्ट को कहनी पड़ गई, हाईकोर्ट को ये कहना पड़ गया कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं। अब इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं ये बताती हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है, पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि ये मामला अब जो है पॉलिटिकल डायमेंशन का एक अलग डायमेंशन को छू रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि राम वाम और श्याम मेरे खिलाफ एक हो गए, राम यानी बीजेपी, वाम मतलब लेफ्ट पार्टियां और श्याम यानी कि कांग्रेस, इन तीनों को वो एक साथ लपेट रही हैं, और ये तीनों ही पार्टियां की जो वहां की स्थानीय इकाई है वो वहां पर लगातार अटैक कर रही है, ममता बनर्जी उल्टा पलटवार कर रही है, तो कुल मिलाकर के राजनीति की लड़ाई तो है ही है, लेकिन जो हाईकोर्ट की आज की टिप्पणियां हैं वो ये बताती हैं कि जमीनी स्तर पर ये मामला कितना गंभीर है और शाहजहां शेख को किस तरह से एक जो शह हासिल की बात कही जा रही है उसका भी एक एक चेहरा सामने आ रहा है। ठीक है अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।